वेलकम बैक फ्रेंड्स, सैमटेक यूनिवर्स में स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लाया हूँ लुक्सर कंपनी की तरफ से आने वाला 90x हाई पावर रिफ्रैक्टर टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का अनबॉक्सिंग और क्विक इंस्टॉलेशन सेटअप, एंड आपको इसका रिव्यू भी दूंगा। तो चलिए इस बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट है देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको बॉक्स में मिलता है एक ट्राइपॉड स्टैंड जो एल्यूमिनियम बिल्ट का है, टेलीस्कोप मेटल ट्यूब के साथ। दो लेंस मिलता है 6mm और 20mm, साथ में ही एक 1.5x का इरेक्टिंग आईपीस भी मिलता है जो मैग्निफिकेशन के काम आता है। दोस्तों, ये है 6mm वाला लेंस। और ये है आपका 20mm वाला लेंस। ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड एल्यूमिनियम बेल्ट का है, बहुत ही छोटा साइज का है। इसका हाइट बहुत ही कम लगा मुझे, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, या फिर एक्सटेंशन लेग्स के साथ होता तो बेटर था। ये स्क्रू है जिससे हम आपका टेलीस्कोप ट्राइपॉड के साथ अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको लगाना है। काफी इजी है दोस्तों इंस्टॉलेशन इसका। इसको इस तरह से फिक्स करके टाइट कर देना है। ये आपका टेलीस्कोप ट्राइपॉड पे माउंट हो चुका है। टेलीस्कोप के आगे जो कैप है उसको भी निकाल लीजिए। ये हम यहाँ पे लेंस फिट कर सकते हैं। ये 6mm वाला लेंस है, इस तरह से आपको इसमें फिट कर देना है। ये 6mm का आईपीस है दोस्तों, इससे आपको मून वगैरह देखना हो तो देख सकते हैं। ये फोकस व्हील है, इससे आप फोकस एडजस्ट कर सकते हैं इसका। चलिए इसको निकाल लेते हैं। अभी 20mm वाला लेंस भी आपको लगा के दिखाता हूँ। ये लैंड व्यूइंग के लिए काफी अच्छा लेंस है, इसे दूर का आप देख सकते हैं। ये इजीली एडजस्टेबल है। ये देखिए फोकस व्हील, जब तक आपको सही से ना दिखाई दे इसको आप एडजस्ट करके आपका इमेज क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये 1.5x इरेक्टिंग जो आईपीस है इसको भी कैसे लगाते हैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये स्क्रू आपको निकाल लेना है। इस तरह से अब ये जो स्क्रू है इसको टाइट कर दीजिए। ये जो मिरर वाला सेक्शन है इसको यहाँ पे लगा देना है, इसको भी टाइट कर दीजिए। इससे लेंथ बढ़ जाएगी और जो मैग्निफिकेशन है उसका भी पावर बढ़ जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस व्यूइंग आप कर सकते हैं दोस्तों इस तरह से। ये 6mm वाला लेंस मैंने अभी लगाया है, इस तरह से आप लगा सकते हैं।
ये देखिए। चलिए 20mm वाला लेंस भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको फोकस एडजस्ट करना है। ये मैंने अभी टेरेस पे लगाया है दोस्तों। हम इसमें से जो वो आपको दूर बिल्डिंग दिखाई दे रही है वाइट कलर की, ये देखिए, ये देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, सॉरी दोस्तों, मेरे मोबाइल में जो इमेज दिख रही थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन जो मैंने खुद के आँखों से देखा है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जो बिल्डिंग था वो काफ़ी क्लोज दिख रहा था, उसके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए थे वो भी विजिबल थे, उस सोलर पैनल्स पे जो नाम लिखे हुए थे वो भी मुझे क्लियरली दिख रहे थे। ये 20mm लेंस के साथ मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यही सेटिंग जो है इसको यूज़ करके मैंने अभी लैंड व्यूइंग की है। ये जो है 1.5 वाला इरेक्टिंग आईपीस, इससे मुझे कुछ खास इमेजेस नहीं दिखी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।